छिंदवाड़ा में 1 जनवरी तक चलने वाले श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान का भव्य शुभारंभ 25 दिसंबर से हुआ। इस अवसर पर श्री आदिनाथ जनालय में सामूहिक पूजन के पश्चात रजत विमान में श्री जी को विराजमान कर नगर भ्रमण कराया गया। मध्य प्रदेश की धर्मनगरी छिंदवाड़ा में 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक चलने वाले श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान का भव्य शुभारंभ हुआ। प्रातःकाल की मंगल बेला पर मुमुक्षु मंडल एवं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन एवं बालाजी परिवार के सदस्यों ने श्री आदिनाथ जनालय में सामूहिक पूजन के पश्चात रजत विमान में श्री जी को विराजमान कर नगर भ्रमण किया। चबर ढुराते हुए सभी श्रावक श्राविकाओं ने यात्रा का आनंद लिया। इस अवसर पर खनिया धाना से प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी पंडित अभिनंदन जी शास्त्री अलीगढ़ जयपुर मेरठ आगरा आदि से बड़ी संख्या में समाज बंधु सम्मिलित हुए। आयोजन के बारे में मीडिया प्रभारी दीपक राज जैन ने पूरी जानकारी दी। श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान का भव्य शुभारंभ किया। ये हमारे इसके प्रतिष्ठाचार आदरणीय बाल ब्रह्मचारी अभिनंदन जी शास्त्री साथ में निर्देशक अशोक जी लोहाड़िया पीयूष जी जैन और अशोक जी जैन है जिनके साथ में हमारे छिंदवाड़ा अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के तमाम सदस्य मंगल गान करते हुए यहाँ सिद्धों की अगवानी कर रहे हैं और पूरा वितराग भवन हमारा हजारों की संख्या में साधु में से भरा हुआ है। प्रातःकाल की मंगल बेला पर जिनमें प्रक्षालन की हमने आदिनाथ जिनाले में पश्चात जिनेन्द्र पूजन किया, उसके बाद में श्री जी के साथ माँ जिनवाणी का भव्य समारोह निकाला जिसका सकल जैन समाज ने बहुत आत्मीय अभिनंदन किया। विशेष निवेदन है हमारा 26 दिसंबर मंगलवार को रात्रि 8 बजे हिंसा स्थली गोलगंज स्थित छिंदवाड़ा में आदरणीय संजीव जी जैन अंतर्राष्ट्रीय भजन गायक जो हमारे हैं उनकी एक भजन संध्या का आयोजन है और 27 तारीख को SP भारिल साहब की मोटिवेशनल क्लास है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आइए मंगल महोत्सव में हम सब मिलके चल। समारोह के पश्चात वीतराग भवन में ध्वजारोहण कर विधान का उद्घाटन किया गया। साथ ही मां जिनवाणी के साथ अष्ट मंगल द्रव्य अष्ट प्रतिहार्य विराजमान कर विधान का शुभारंभ किया गया जिसमें पूरे देश से जैन बंधु सम्मिलित हुए। जैन फोकस के लिए छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से दीपक राज जैन की रिपोर्ट।